हेलो, इस वीडियो में हम बात करेंगे थ्री लेवल आर्किटेक्चर ऑफ द डेटाबेस सिस्टम की। क्वेश्चन है, ड्रॉ एंड एक्सप्लेन थ्री लेवल आर्किटेक्चर ऑफ द डेटाबेस सिस्टम। सो पहले ड्रॉ कर लेते हैं और उसका एक बार उसको ब्रीफली देखेंगे कि क्या होता है। तो सबसे पहले तो तीन लेवल कौन कौन से हैं आपको ये पता होना चाहिए। तीन लेवल होते हैं, एक्सटर्नल, जिसको कि व्यू लेवल भी बोलते हैं। सेकंड होता है कंसेप्चुअल, जिसको लॉजिकल लेवल भी बोलते हैं। और थर्ड होता है इंटरनल, जिसको स्टोरेज लेवल भी बोलते हैं। तो ये तीन लेवल है जिसमें डेटाबेस का जो आर्किटेक्चर है वो हम स्टोर करके रखते हैं। अब ये चीज़ें हैं क्या क्या है, थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन में दे देता हूँ। ये वो लेवल है जहाँ पे कि एंड यूज़र काम करते हैं। कंसेप्चुअल या लॉजिकल लेवल क्या है, व्हाट डेटा इज स्टोर्ड, व्हाट डेटा, कौन सा डेटा आपने स्टोर किया है। और इंटरनल और स्टोरेज लेवल क्या है, हाउ डेटा इज स्टोर्ड, डेटा को किस तरह से स्टोर किया गया है। ठीक है, सो टॉप पे क्या होते हैं, सबसे ऊपर है एक्सटर्नल। सो अलग अलग यूजर्स के लिए हम डिफरेंट डिफरेंट व्यूज क्रिएट कर सकते हैं। तो यहां पे हमारे पास होंगे एंड यूजर्स, लेट अस से एंड यूजर ए है, उसके लिए एक लेवल है, और ऐसे ही एंड यूजर बी है, उसके लिए दूसरा लेवल हो सकता है। तो सबसे टॉप पे क्या है, एक्सटर्नल या फिर व्यू लेवल। देन उसके नीचे आता है कंसेप्चुअल, लॉजिकल लेवल, इसके नीचे आता है इंटरनल, स्टोरेज लेवल, एंड फाइनली दी फिजिकल डेटाबेस। ठीक है, सो ये तो इसका डायग्राम हो गया। अब इसमें जो इंट्रैक्शन होती है वो बोथ वेज होती है। सो इस तरह से आप इसको शो कर सकते हो। ठीक है, तो अब इनकी थोड़ी सी, जैसे मैंने यहाँ पे आपको बता दिया कि जो एंड लेवल है वो क्या करता है, इंटरनल लेवल क्या करेगा, कंसेप्चुअल और लॉजिकल लेवल क्या करेगा। थोड़ा सा और देख लेते हैं इनके बारे में। अब जो कंसेप्चुअल या लॉजिकल लेवल है, इसका काम क्या क्या है। इसका काम है कॉन्स्ट्रेंट्स स्पेसिफाई करना कि जो डेटा है उस पर क्या क्या कॉन्स्ट्रेंट्स लग सकते हैं, उसकी सिमेंटिक नेचर को फाइंड आउट करना, उसकी सिक्योरिटी की इंफॉर्मेशन को स्टोर करना। तो इस तरह के काम जो है वो क्या ऑन करता है, कंसेप्चुअल या लॉजिकल लेवल। जैसे कि डेटा को स्टोर करना है एम्प्लॉय टेबल में, डेटा को स्टोर किया गया डिपार्टमेंट टेबल में, तो ये सब आएगा कंसेप्चुअल या लॉजिकल लेवल में। इंटरनल और स्टोरेज का मतलब क्या है, हाउ डेटा इज स्टोर्ड। तो इसके लिए क्या क्या होगा, कितना स्पेस एलोकेट किया गया, तो स्पेस एलोकेशन यहाँ पे आ जाती है। देन कौन सा फाइल सिस्टम यूज़ किया है वो डिसाइड करना डेटा की स्टोरेज के लिए, डेटा का कौन सा कंप्रेशन और कौन सा इंक्रिप्शन का मैकेनिज्म यूज़ किया है वो बताना, एंड फाइनली किस तरह से जो डेटा है उसको आपने प्लेस किया है। सो ये सब काम आ जाते हैं किसमें, इंटरनल या फिर स्टोरेज लेवल के। सो दिस इज दी आर्किटेक्चर ऑफ डीबीएमएस, जो कि थ्री लेवल आर्किटेक्चर है डीबीएमएस का। अभी जितने भी होते हैं इसमें, हमने पीछे वीडियोस में भी देखा था कि इंडिपेंडेंस होती है, लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस, फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। उसका मतलब क्या है, अगर मैंने चेंजेस यहाँ किए हैं तो यहाँ पे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, अगर मैंने चेंजेस यहाँ किए तो यहाँ पे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो यहाँ पे जो इंडिपेंडेंस है उसको बोलते हैं फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस, मतलब चेंजेस डन हेयर डज नॉट इफेक्ट दिस लेवल। और यहाँ पे जो चेंजेस होते हैं उसको हम बोलते हैं लॉजिकल इंडिपेंडेंस और लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। इसका मतलब क्या है कि चेंजेस अगर आपने इस लेवल पे किए हैं तो इनको फर्क नहीं पड़ेगा।
सो दिस इज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. प्लीज सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर सच ट्यूटोरियल्स. थैंक यू.